बुलढाणा के चिखली तहसील में एकादशी का उपवास के भगर खाने से अलग अलग गांव में 20 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। आनंद फानंद में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी गांव में चिखली से ही लाई गई थी भगर। दरअसल भगर खाने के थोड़ी देर बाद उन्हें उल्टी सिर दर्द की समस्या आने लगी। पहले लगा कि एसिडिटी के कारण हो रहा है, लेकिन जब तबियत ज्यादा बिगड़ी हुई दिखाई दी तो परिजनों ने सभी को चिखली के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। वहीं जब एक चिखली के स्थानीय दुकानदार से इस बारे में पूछा गया तो दुकानदार ने कहा, हमने यह खबर सुबह ही सुन ली थी, परंतु हमने एकलेरा पेठ कोड्री और केसापुर गांव में दुकानदारों से संपर्क किया और उन्हें यह भगर नान बेचने की अपील की। हमारे पास मौजूद बाकी सामान फेंक दिया गया। वहीं इस मामले में चिकित्सकों का कहना है कि सभी रोगियों को भगर खाने से उल्टी, सिरदर्द, चक्कर आना और घबराहट होने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ा है। सभी का इलाज जारी है। फिलहाल सभी के स्वास्थ्य में स्थिति बेहतर है। काल एक पेशंट सध्या सकाळी लाणी त्याच्या त्यांना घबराहट आणि थरथरी वाटत होती आणि पेशंटने सांगितलं की मी भगर खाल्ली म्हणून असा त्रास होतो, त्यांना उलट्या वगैरे झाल्या, नंतर आपण त्याचा ईसीजी केला तो नॉर्मल होता, पण त्यांनी भगर खाल्ल्यामुळे सांगितलं आणि त्यांच्याच एका नातेवाईकाला सारखाच त्रास झाला होता, त्यांनी पण ती भगर खाल्ली होती आणि ते नंतर दुसरीकडे एका ठिकाणी गावातच त्यांनी सलाइन घेतला आणि तिथे ऍडमिट झाले। काल भगरमुळे विषबाधा झालेले जवळपास 6 पेशंट आहेत, त्यातले शिंदे हराळीचे 4 आहेत आणि कोळेगावचे 2 आहेत। सगळ्यांचा भगर खाल्ल्यानंतर जवळपास अर्ध्या ते 1 तासानंतर हातपायाला मुंग्या येणे, तोंड जीभ जड पडणे, उलट्या, मळमळ अशा त्रासामुळे त्यांना भरती करण्यास काम पडलं।